ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ठीक है, क्या बोला है। हमारे पास एक मिक्सचर है, किसका 20 ml उसका वॉल्यूम है और मिक्सचर में है CO और साथ में C2H2, दोनों के दोनों गैस है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके साथ मैंने ऐड किया हूं 30 ml O2 और इसको करते हुए पहले मैंने स्पार्क कर दिया। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस में जो फाइनल वॉल्यूम बना है दैट इज 34 ml और इसको जब मैंने KOH के थ्रू पास करवाया तब फाइनल वॉल्यूम जो है वो मेरा 8 ml बना है। ठीक है, तो फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर, फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करें। अच्छा, क्या क्या रिएक्शन हो रहा है ध्यान देना। C2H2 गैस प्लस O2 गैस, ये हमें क्या देगा, 2 times CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए ये 5/2 है, राइट? समझ में? ओके, नाउ नेक्स्ट। अगला जो और एक रिएक्शन पॉसिबल है वो है CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। ठीक है, और डेफिनेटली यहां पर है ½ O2। ठीक है, ये दो रिएक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है। सो अब हम क्या करेंगे उसके बारे में ध्यान देते हैं। अच्छा, यहां पर जो मेरा फाइनल वॉल्यूम है 8 ml है वो नहीं बोला हुआ है, जो यहां पर 8 ml किसका है, कोई गैस बचा हुआ है या 8 ml ऑक्सीजन बचा हुआ है, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर पहले अजम्पशन मारेंगे, लेट O2 इज नॉट लिमिटिंग, O2 जो है वो मेरा लिमिटिंग नहीं है, यानी O2 एक्सेस में है, यानी जो मेरा फाइनल वॉल्यूम जो है 8 ml ऑक्सीजन वॉज लेफ्ट, ऑक्सीजन जो है वो मेरा 8 ml बचा हुआ था। ठीक है, ये मैंने पहला अजम्पशन पे मारा हूं। अच्छा, जो कॉम्पोजिशन है, मान लो CO जो है वो हमारा 1 ml था और C2H2 जो था वो मेरा 20 - 1 ml होगा फिर। अच्छा, ये इसमें दो फंडा है ध्यान देना। पहली बात बोला है जो फाइनल वॉल्यूम जो हुआ है वो हमारा 34 ml हुआ है। ठीक है, राइट, ओके, लेट्स सी एक एक करके सब कुछ देखते हैं क्योंकि मुझे नहीं मालूम है जो यहां पर कहां पे कौन सा लिमिटिंग है, वो सारे केसेस देखना पड़ेगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें, टोटल फाइनल वॉल्यूम अगर हमारा 8 ml है और यहां पर हमारा 30 ml O2 था, तो O2 कंज्यूम्ड जो हुआ है वो डेफिनेटली हुआ है 22 ml। O2 जो हमारा कंज्यूम हुआ है वो डेफिनेटली हुआ है 22 ml। अच्छा, CO का 1 ml 1/2 ml O2 कंज्यूम करता है, तो CO वाले रिएक्शन में जो कंजम्पशन है वो है डेफिनेटली x/2 ml
और C2H2 का 1 ml 5/2 ml O2 को कंज्यूम करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कंजम्पशन है, तो टोटल कंजम्पशन हमारे पास ये आ जाएगा। सो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 100 माइनस 5x इक्वल्स टू 44, राइट। सो 4x इज इक्वल्स टू 56, यानी x जो आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 14 ml, x जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 14 ml, ठीक है। तो x हमारे पास 14 ml आ गया, तो अब हम लोग देखते हैं जो बाकी डेटा को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सो लेट्स सी, तो हमारे पास CO जो है वो हमारा 14 ml है, ठीक है, और C2H2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 6 ml। अच्छा, CO का 1 ml 1 ml CO2 देता है, तो यहां से हमें 14 ml CO2 मिलेगा, और C2H2 का 1 ml 2 ml CO2 देता है, तो यहां से हमारे पास मिलेगा 26 ml CO2, राइट। तो टोटल CO2 जो हमारा पैदा हुआ है दैट इज 14 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 26 ml। टोटल CO2 जो हमारे पास पैदा हुआ है वो हुआ है 26 ml। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन में CO2 कितना दिया हुआ है, लेट्स सी। अगर 34 ml पार्क करने के बाद का वॉल्यूम था और 8 ml बाद में O2 बच गया है, तो 34 ml से 8 ml जो बना है QH तो डेफिनेटली CO2 को ही एब्जॉर्ब किया है, तो अगर CO2 को ही एब्जॉर्ब किया है तो डेफिनेटली 26 ml तो मेरे पास CO2 था, 26 ml जो है वो हमारा CO2 था, ठीक है। ये बात ऑब्वियस है जो कि ये वाले डेटा के साथ मैच कर रहा है, तो इसके मतलब यहां तक तो हमारा सही है। हाँ, लेकिन और एक चीज भी है, यहां पर जो हमारा वॉल्यूम था वो था 50 ml, और स्पार्क करने के बाद बना है अगर 34 ml, तो यहां पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो डेफिनेटली एक है 16 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये वाले डेटा के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये वाले जो हमारा डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, ध्यान देना, यहां पर 7/2 ml से 2 ml गैस पैदा होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है वो 3/2 का हुआ है, यानी इसका 1 ml पे 3/2 ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसके 1 ml पे अगर 3/2 ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका 6 ml पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा इतना ml का, प्लस यहां पर 1.5 ml पे 1 ml बनता है, यानी पर ml ऑफ CO 0.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, हाफ इंटू CO का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दिस इज 9 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 16 ml। तो ये डेटा भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा जो एजम्पशन था O2 इज नॉट लिमिटिंग, दिस एजम्पशन इज ऑब्वियसली करेक्ट, एंड जो हमारा जो हमारा कॉम्पोजिशन है, तो देखो यहां पर पहले हम एक को लिमिटिंग मान लेंगे और फिर हम देखेंगे जो डेटा है उसको सेटिस्फाई हम करवा पा रहे या नहीं, वो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा कॉम्पोजिशन था, जो हमारा कॉम्पोजिशन था वो कॉम्पोजिशन क्या था, कॉम्पोजिशन वॉज 14 ml CO,
प्लस 6 ml एसिटिलीन। ओके, ऐसे क्वेश्चनों में हमें पहले एक को लिमिटिंग मानना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा जो डेटा दिया हुआ है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है मेरे पास, मेरे पास एक मिक्सचर है, 10 ml मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में क्या क्या है। मिक्सचर में मेरे पास है CO प्लस CH4 प्लस C2H2, तीन गैस है, CO है, ठीक है, प्लस CH4 है, प्लस C2H2 है। स्पार्क्ड विथ एक्सेस ऑफ एयर, दिस इज स्पार्क्ड विथ एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इस पे इस वाले प्रोसेस के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू 17 ml। अच्छा, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है केवल वही रिएक्ट करेगा, N2 जो है वो हमारा रिएक्ट ही नहीं करेगा, एंड O2 जो है वो ऑब्वियसली लिमिटिंग नहीं है, एयर एक्सेस में है, यानी जितना रिक्विजिट अमाउंट ऑफ O2 है उससे तो ज्यादा ही ऑक्सीजन हमारे पास रखा हुआ है। ओके, एंड नाउ क्या बोला है इसके बाद, इसको मैंने उसके बाद QOH के थ्रू पास करवा दिया, ठीक है, इस पे फाइनल कॉन्ट्रैक्शन हमें और एक बार कॉन्ट्रैक्शन मिला, और वो कॉन्ट्रैक्शन जो मिला दैट इज इक्वल्स टू 14 ml, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन मिला है वो मिला है हमें 14 ml। सो कंप्यूट द इनिशियल कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर था उसका इनिशियल कॉम्पोजिशन क्या था, वो चीज हमें यहां पर निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा, रिएक्शंस क्या क्या हुआ है, CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दिया है CO2 गैस, CH4 गैस मीथेन गैस होता है, प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए ये आ जाएगा, एंड C2H2 गैस, पुराना रिएक्शन को रिपीट कर दूं, प्लस 5/2 O2 गैस गिव्स अस 2 CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ये है हमारा तीन रिएक्शन जो यहां पर डेफिनेटली हमारा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं या कुछ भी, तो काम करते हैं, CO जो है उसको XML ले लो, CH4 जो है उसको YML ले लो, और C2H2 जो है वो ऑब्वियसली 10 - x - y ml हो जाएगा। ये हमारा इनिशियल कॉम्पोजिशन है। अच्छा, ध्यान देना, अब दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन तो है ही है, साथ ही साथ ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो डेफिनेटली हमारा CO2 के कारण हुआ है। अच्छा, तो CO का अगर 1 ml है तो यहां से हमें 1 ml का ही CO2 मिलेगा, क्योंकि हमें 1 से 1 मिलता है, ठीक है। CH4 का 1 से 1 ml CO2 मिलता है, तो यहां पे हमें YML CO2 मिलेगा, और C2H2 का 1 से हमें 2 ml CO2 मिलता है, तो यहां पर हमें
2 into 10 minus x minus y ml CO2 मिल जाएगा. So if I add it up, x plus y plus 20 minus 2x minus 2y that is equals to 14. तो हमारे पास आ जाएगा x plus y is equals to 6, जो हमारा, by the way, इससे एक चीज डायरेक्टली आ गया, एसिटिलीन जो है वो हमारा 4 ml है. ठीक है, that's the first relation. अच्छा, second relation में और क्या लिख सकता हूं? जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन है, मैं उस पर अगर ध्यान दूं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, इसका 1.5 ml से 1 ml बन रहा है, तो पर ml CO2 0.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन है. तो ये जो है, ये हमें कॉन्ट्रैक्शन देगा CO के कारण x by 2 ml. CH4 में 3 से बन रहा है 1, तो पर ml 2 का कॉन्ट्रैक्शन, तो CH4 देगा 2y ml. और एसिटिलीन का अगर देखूं तो 7/2 से बन रहा है 2, यानी 3/2 का कॉन्ट्रैक्शन, तो इसका 1 पे 3/2 का कॉन्ट्रैक्शन, तो C2H2 हमें देगा 3/2 into 10 minus x minus y ml का कॉन्ट्रैक्शन. तो जो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, जो हमारा टोटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? x by 2 plus 2y plus 3/2 10 minus x minus y, इसमें खत्म कर दे रहा हूं, 10 minus 6, that must be close to 17. ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा. तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? x by 2 plus 2y, यहां पर कितना आएगा? दिस इज 4, 4 और by 2, 2, यहां पे जाएगा 6, और 17 minus 6, that is equals to 11. तो x by 2 plus 2y, ये मेरे पास आ जाएगा 11. बट x plus y कितना है? 6. तो दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूं 2x plus 2y equals to 12. ठीक है. सो अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा? 2x minus x by 2. 3x by 2 is equals to 1. तो x मेरे पास आ जाएगा 2/3. x जो आ जाएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2/3. And x को अगर मैं वहां पर सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? इसे सब्सटीट्यूट कर दो तो y हो जाएगा मेरे पास 16/3. ठीक है, y हो जाएगा मेरे पास 16/3. तो मेरे पास जो मिक्सचर था वो मिक्सचर क्या था? 2/3 ml CO plus 16/3 ml CH4 and 4 ml C2H2. ठीक है, ये हमारा द कॉम्पोजिशन ऑफ द इनिशियल मिक्सचर था. मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया है जो किस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें अप्रोच करनी है. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है. फोर्टी एम एल मिक्सचर है C2H2 प्लस CO का. ठीक है, साथ में मैंने ऐड कर दिया 100 ml O2
साथ में मैंने ऐड कर दिया 100 ml O2, ठीक है, और 100 ml O2 को एक्सप्लोड करके इसको मैंने स्पार्क कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम जो बना है वो बना है 104 ml, ठीक है। इसको जब मैंने KOH के थ्रू पास करवाया तब मेरा फाइनल वॉल्यूम बना है 48 ml। तो सवाल ये है जो इनिशियल कॉम्पोजिशन हमारा क्या था। रिएक्शन को वापस लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे वो दोनों रिएक्शन लिखा हुआ है तो उस चीज पर ध्यान दो। तो यहां पर क्या करेंगे, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यहां पर जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 140 से 104 बना है, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 36 ml का, ठीक है। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान देना, लिमिटिंग डेफिनेटली O2 नहीं है, ये गारंटेड है, बचा हुआ O2 ही है। कारण सुनना, अगर मान लो पूरा का पूरा C2H2 भी होता, पूरा का पूरा C2H2 है, ठीक है, तो भी 1 ml को 2.5 ml चाहिए, तो 40 को चाहिए 100, यानी पूरा C2H2 को भी O2 जो है वो खत्म कर देगा। यहां पे हमें देखने की जरूरत नहीं है जो कौन लिमिटिंग है, डेफिनेटली जो CO है वो और C2H2 है उसका रिएक्शन कंप्लीट तो हुआ है। अच्छा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो कॉन्ट्रैक्शन कितने का हुआ है, 104 बना है कितना 48, तो यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो हुआ है 56 ml, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली हमारा CO2 के कारण ही हुआ है। सो हम यहां पर मान लेते हैं C2H2 जो है वो इनिशियली था XML, CO जो है वो था 40 - XML, राइट। सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगेन यहां पर अगर हम ध्यान दें 7/2 ml से 2 ml पैदा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है 3/2 का, यानी 3/2 ml का पर ml ऑफ C2H2 3 by 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा 3/2 x, और CO में पर ml ऑफ CO 0.5 का कॉन्ट्रैक्शन है, तो प्लस 1/2 × 40 - x, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 36, ठीक है। सो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3x + 40 - x, दैट इज इक्वल्स टू 72। सो 2x विल बी इक्वल्स टू 32, तो मेरे पास x जो आ जाएगा दैट विल बी 16, x जो आ जाएगा दैट विल बी 16, तो x विल बी इक्वल्स टू 16 ml, ठीक है। यानी x क्या था मेरा C2H2, तो CO जो था वो डेफिनेटली हमारा 24 ml था। अच्छा आप देख लेते हैं जो CO2 वाला डेटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, करना चाहिए, लेट्स सी। अच्छा 16 ml C2H2 जो है वो हमें 32 ml CO2 देता है, क्योंकि एक C2H2 से हमारा दो CO2 पैदा होता है, और CO में जो है 24 ml से 24 ml CO2 ही हमारा बनना चाहिए, राइट। सो टोटल CO2 जो बन जाएगा, टोटल CO2 वो है 32 + 24, दैट इज इक्वल्स टू 56 ml। तो जो डेटा हमारा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये मैच किया है, ठीक है। तो इस प्रोफाइल का काफी सारे क्वेश्चन हमने यहां पर देख लिए हैं, तो अब थोड़ा सा हम हायर लेवल के क्वेश्चन में जाएंगे।
लेट्स सी कैसे है वो। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बुलावा है इस क्वेश्चन में? हमारे पास 90 ml मिक्सचर ऑफ N2 प्लस H2 प्लस O2 है, ठीक है। अब इसको मैंने स्पार्क किया और स्पार्क करने पे जो हमारा वॉल्यूम बना वो बना 30 ml, ठीक है। ऑटो इज नाउ अगेन एडेड टिल जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है, ठीक है। स्पार्क अगेन और अब जो इस स्टेप के बाद फाइनल वॉल्यूम बना है वो बना है मेरा 28 ml। तो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। इस क्वेश्चन को गौर से देखो, एक बार समझो क्या हो रहा है। अच्छा, N2 जो है वो तो हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, N2 का रिएक्शन कहीं पर करवाना ही नहीं है, ठीक है। अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली स्टेटेड जो वो रिएक्ट कर रहा है, बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस है। अदरवाइज इन जनरल N2 जो है वो हमारा रिएक्ट नहीं करने वाला है। अच्छा, अब N2 अगर हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है? ध्यान दो, दो पॉसिबिलिटी बनती है। या तो जो हाइड्रोजन है वो हमारा लिमिटिंग है, ठीक है, और हाइड्रोजन अगर लिमिटिंग है ऑक्सीजन हमारा बच जाएगा। बट सवाल ये है, अगर फर्स्ट स्टेप में ही हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर चुका है तो फिर जो अगला हमारा रिएक्शन है वहां पर फिर कॉन्ट्रैक्शन आ क्यों रहा है? क्योंकि वहां पे तो फिर H2O पड़ा हुआ है, N2 है और O2 है। H2O गैस नहीं है लेकिन, ठीक है, वाटर पड़ा हुआ है, बट वाटर N2O2 कोई भी फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। यानी अगर सेकेंड स्टेप में भी रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है सेकेंड स्टेप के लिए कुछ हाइड्रोजन हमारा बचा हुआ था और वो बचा हुआ हाइड्रोजन हमारा सेकेंड स्टेप में रिएक्ट किया है। यानी इन द फर्स्ट स्टेप डेफिनेटली O2 इज द लिमिटिंग। फर्स्ट स्टेप में डेफिनेटली, इन फर्स्ट स्टेप O2 इज लिमिटिंग। O2 जो है वही हमारा लिमिटिंग होगा क्योंकि अदरवाइज सेकेंड स्टेप का रिएक्शन नहीं हुआ है। ओके अच्छा, क्या है मेरे पास? मान लो इनिशियली H2 जो है वो हमारा XML था, O2 जो है वो हमारा YML था, तो N2 जो है वो तो डेफिनेटली वो तो वेल्ला पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, समझ में आया। और यहां पर जो रिएक्शन हुआ है वो हुआ है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, दैट गिव अस H2O लिक्विड, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, 90 ml हमारा 30 ml में कन्वर्ट हुआ था तो कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो हुआ था 60 ml।
और ये कॉन्ट्रैक्शन ये वाले रिएक्शन के कारण हुआ था, तो ध्यान देना। पर यहां पे एक बार ये रिएक्शन होने पे 1.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहां पर O2 जो है वो मेरा लिमिटिंग है, तो 0.5 ml O2 के पीछे, 0.5 ml O2 के पीछे 1.5 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, तो 1 ml O2 के पीछे 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन है। तो 1 ml O2 हमें अगर 3 ml का कॉन्ट्रैक्शन देता है, तो सिंपल सी बात है, 60 ml अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, दैट इंप्लाइज हमारे पास इनिशियली 20 ml O2 था। मिक्सचर में 20 ml O2 तो था, और ये 20 ml O2 के करस्पॉन्डिंग 40 ml H2 रिएक्टेड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, राइट। हाँ, लेकिन अभी भी H2 जो है वो कुछ बचा हुआ है, वो बचा हुआ H2 अब हमें निकालना है। तो अगर हम अब देखें, जो अब हम सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, 55 ml हमारा कन्वर्ट हुआ है 28 ml पे। सो ये वाले स्टेप के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 27 ml। अच्छा, ये वाले स्टेप में ऑब्वियसली H2 इज लिमिटिंग रीजन। मान लो N2 था ही नहीं, क्वेश्चन झूठ है, 20 ml O2 तो है ही है, 70 ml H2 होगा, जिसका 40 ml पहले रिएक्ट कर चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा अब 30 ml H2 बचा हुआ है, तो 30 ml अगर H2 बचा हुआ है, वो 15 ml O2 खाएगा, बट O2 जो मैं डाला हूं वो डेफिनेटली 25 ml डाला हूं, यानी मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो से भी ज्यादा O2 डाला हुआ है, तो ये वाले स्टेप पे तो ऑब्वियस है। नाउ H2 इज लिमिटिंग, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सो H2 के लिए क्या है, 3/2 ml का कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 ml H2, सो 27 ml का जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, 27 × 2/3 18 ml H2 के कारण होगा। ये हमारा 18 ml H2 के कारण होगा, राइट। सो इनिशियली 40 ml रिएक्ट करने के बाद 18 ml अगर बचा हुआ है, तो इनिशियली H2 जो होगा वो होगा 40 + 18, दैट इज इक्वल्स टू 58 ml। सो नाउ, तो H2 होगा हमारे पास 58 ml, O2 जो होगा दैट विल बी 20 ml, राइट। तो बाकी यहां पे 78 हो गया, टोटल वॉल्यूम तो 90 ml है, तो N2 जो होगा दैट विल बी 12 ml। H2 58 ml, O2 20 ml, N2 जो है वो है मेरा 12 ml। ये हमारा इनिशियल कॉम्पोजिशन होने वाला है, ठीक है, दिस इज माई इनिशियल मिक्सचर।
मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया है। तो मिक्सचर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर सॉल्व कर चुके हैं। तो लिमिटिंग कब कौन सा क्या बनता है उस चीज के ऊपर भी डेफिनेटली हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। हमारे पास 10 ml ऑफ गैशियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। साथ पे मैंने ऐड कर दिया 100 ml O2, ठीक है। इसको मैंने स्पार्क कर दिया, इसको मैंने स्पार्क कर दिया और फाइनल वॉल्यूम जो आया है वो आया है मेरे पास 90 ml, ठीक है। और अब मैंने इसको KOH के थ्रू पास करवा दिया, तो यहां पर जो हमारा है फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आया है 70 ml, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका वेपर डेंसिटी जो है वो है 23, ठीक है। वेपर डेंसिटी जो है वो दे रखा है 23। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड है उसका जनरल फॉर्मूला मैं ले सकता हूं, CXHYOZ गैस प्लस O2 गैस विल गिव अस XCO2 गैस प्लस y बाई टू एच टू ओ लिक्विड। एंड नाउ इफ आई बैलेंस द ऑक्सीजन तो यहां पर कितना आएगा, x प्लस y बाई फोर माइनस z बाई टू ओ टू गैस। ये हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। ओके पहले एक इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान दो। अच्छा ये वाला जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये हमारा 20 ml का हुआ है और ये डेफिनेटली हमारा CO2 का है। सो 10 ml ऑफ कंपाउंड 20 ml CO2 दिया है, 10 ml कंपाउंड वो हमें 20 ml CO2 दिया है, तो 1 ml कंपाउंड हमें डेफिनेटली 2 ml CO2 देगा। बट यहां का जो रिएक्शन है उसके हिसाब से 1 ml x ml CO2 दे रहा है, तो एक तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है x equals to 2, ठीक है। अच्छा नाउ दूसरी बात, यहां से यहां पर अगर हम ध्यान दें 110 ml पूरा चीज 90 ml दे रहा है, तो यहां पर भी जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो डेफिनेटली हमारे पास 10 ml कितना 20 ml का हुआ है। अगर मैं यहां पर देखूं एक चीज, यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 प्लस x प्लस y बाई फोर माइनस z बाई टू
इतने से बनता है हमारे पास XML, ठीक है। तो पर ML जो कॉन्ट्रैक्शन है, पर ML जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है? 1 + y/4 - z/2, ये हमारा पर ML कॉन्ट्रैक्शन है। बट 10 ML के पीछे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 20 ML का। सो ये पर ML कॉन्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो हमारा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो अगला रिलेशन जो मैं बना सकता हूं वो है y/4। तो मैं लिख सकता हूं y - 2z दैट इज इक्वल्स टू 4। ये मैं अगला रिलेशन लिख सकता हूं। एंड लास्ट वेपर डेंसिटी का है। वेपर डेंसिटी हमारे पास कितना है? 23। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू 46। अच्छा, कार्बन तो 2 है वो फिक्स हो चुका है, तो वो 24 तो जा चुका है। नाउ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है मेरे पास कितना, मैंने माना हूं y + 16z, दैट मस्ट बी 46। तो यहां से जो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा y + 16z दैट मस्ट बी 22। और यहां से जो मेरे पास आ रखा है वो है y - 2z = 4। तो अब अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 18z = 18, यानी z = 1। और z अगर मेरा 1 है तो y जो है दैट इज इक्वल्स टू 6, राइट। सो कंपाउंड इज C2H6O। कंपाउंड जो है वो है C2H6O। इस फॉर्मूला वाले 2 कंपाउंड्स पॉसिबल है, एक इथर पॉसिबल होता है CH3OCH3 ether, या फिर दूसरा एक अल्कोहल पॉसिबल है, दैट इज द इथाइल अल्कोहल C2H5OH। खैर वो हमें पूछा नहीं है, वो हमें जानना भी नहीं है। सो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके बारे में हमने बातचीत कर रहे हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ये बोला है हमारे पास H2+N2+O2 का मिक्सचर है, और ये वाले मिक्सचर का जो वॉल्यूम है दैट वाज 100 ml। ये वाला मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो है 100 ml, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाए और इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन पे बन क्या रहा है ध्यान देना, H2O2 लिक्विड प्लस N2H4O2 गैस। ये एक अनोखा रिएक्शन है, N2 यहां पे रिएक्ट कर रहा है। ये बोला हुआ है तो अब दिमाग मत लगाओ, ये बोल दिया है ना जो भाई रिएक्ट करता है, तो यहां पे फिर हम दिमाग नहीं लगाएंगे। H2O2 लिक्विड प्लस N2H2 गैस जो है वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये वाले रिएक्शन पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास हुआ है 60 ml, ठीक है। नाउ इसके थ्रू मैंने पाइरोगैलोल अल्कलाइन पाइरोगैलोल पास करवाया, ठीक है।
और इस पर मेरे पास अब फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 10 ml का, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ है, ठीक है, एक्सेस H2 मैंने ऐड किया, एक्सेस H2 मैंने ऐड किया, रिएक्शन रिपीटेड, ठीक है। और इस स्टेप में अब हमें फर्दर कॉन्ट्रैक्शन मिला है 10 ml का, ठीक है। तो इनिशियल कॉम्पोजिशन जो है वो हमें पूछा गया है। सवाल यह है जो इनिशियल कॉम्पोजिशन होगा वो हमारा क्या था। फाइंड द इनिशियल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। सो दोस्तों यहां पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लेट्स सी। N2 गैस प्लस H2 गैस, ये हो रहा है N2H2 गैस, और दूसरा H2 गैस प्लस O2 गैस, ये हमें दे रहा है H2O2 लिक्विड। यहां पर ये दोनों रिएक्शन हो रहा है। अब ध्यान दो, यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है लिमिटिंग कौन है वो डिसाइड करना। अच्छा देखो ध्यान दो, पाइरोगैलोल पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये तो हमारा डेफिनेटली O2 के कारण ही हुआ है। तो पहला स्टेप के बाद जो O2 बचा हुआ था वो तो डेफिनेटली हमारा 10 ml था, तो O2 लिमिटिंग हो नहीं सकता है। और O2 अगर लिमिटिंग नहीं हो सकता है और O2 और N2 का कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो H2 was, क्योंकि अगर H2 बचा हुआ है तो फिर O2 रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। N2 may be left, हाँ N2 के बारे में राइट नाउ मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बाद में H2 डालने पर वापस हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वापस क्योंकि O2 तो चला गया है पाइरोगैलोल से, तो वापस डेफिनेटली पहला वाला रिएक्शन हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है N2 बचा हुआ तो था ही था, तो मे बी नहीं, N2 इज लेफ्ट। तो N2 बचा हुआ था, ठीक है, एंड O2 बचा हुआ था, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमारा लिमिटिंग था। सो ये वाले पे क्या है, H2 मान लो हमारा XML है, N2 मान लो हमारा YML है, एक काम करो O2 मान लो हमारा XML है, N2 मान लो YML है, तो H2 जो है वो है 100 माइनस एक्स माइनस YML। इनिशियली ये हमारा कॉम्पोजिशन था, ठीक है। नाउ अगर हम सेकेंड स्टेप के बारे में देखें, सेकेंड स्टेप में तो O2 चला गया है, तो केवल एक ही रिएक्शन हुआ है और वो हुआ है N2 गैस प्लस H2 गैस गेव अस N2H2 गैस, N2 गैस प्लस H2 गैस गिव अस N2H2 गैस। एंड सेकेंड स्टेप के बारे में अगर हम ध्यान दें, तो सेकेंड स्टेप में पर ऑब्वियसली N2 हमारा लिमिटिंग है, पर ml ऑफ N2 1 ml का कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि 2 ml से 1 ml बन रहा है, तो 10 ml का अगर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो N2 लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 10 ml. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अब दो रिएक्शंस जो है, दो चीजें हैं वो ध्यान देनी है. पहला, तो ऑब्वियस सी बात है N2 हमारा रिएक्ट जो किया था वो y माइनस 10 किया था, और O2 जो रिएक्ट किया था वो हमारा x माइनस 10 किया था फर्स्ट स्टेप में. ठीक है, सो N2 का 1 ml पे 1 ml का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिएक्ट किया है y माइनस 10 ml, तो फर्स्ट स्टेप में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो हुआ है y माइनस 10 ml ड्यू टू N2. और 1 ml N2 के पीछे 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि 2 ml से कुछ नहीं बन रहा, वो तो लिक्विड है. तो पर ml O2 2 ml का कॉन्ट्रैक्शन, तो x माइनस 10 के पीछे इतने का कॉन्ट्रैक्शन, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारा 60 दे रखा है. राइट, सो मेरे पास रिलेशन आ जाएगा 2x प्लस y That is equals to 90. 2x plus y जो है that is equals to 90. ये मेरे पास पहला रिलेशन आ जाएगा. Now अगला रिलेशन क्या बढ़ते हैं. अच्छा, H2 टोटल कंज्यूम तो हुआ है. देखो जितना N2 रिएक्ट किया है उतना N2 एक H2 को खाया है, तो N2 के कारण H2 गया है y माइनस 10, और जितना O2 रिएक्ट किया है एक H2 खाया है, यानी जितना O2 है रिएक्ट किया है उतना H2 तो इसने कंज्यूम किया है. ये हमारा टोटल H2 का कंजम्पशन है, बट टोटल H2 इनिशियली जो था दैट इज 100 माइनस x माइनस y. तो सिंपल सी बात है, मेरे पास यहां से आ जाएगा 2x प्लस 2y That is equals to 120. तो अगला रिलेशन है x plus y that is equals to 60. तो इसको अगर मैं ध्यान दूं तो मेरे पास आ जाएगा x equals to कितना आ जाएगा 30. सबस्ट्रैक्ट कर दो, y भी कितना आ जाएगा 30. x हमारे पास 30 आ जाएगा और y भी हमारे पास आ जाएगा 30. सो अगर मैं इनिशियल के बारे में बात करूं, इनिशियली जो हमारा मिक्सचर था वो क्या था, O2 था xml, तो 30 ml O2 plus 30 ml N2 प्लस 40 ml H2. That was the initial composition of the mixture. देखो ये वाले क्वेश्चन में बाकी कुछ नहीं था, लेकिन कौन सा स्टेप में क्या लिमिटिंग है और क्या क्या हम रिलेशंस बनाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हमें गौर से ध्यान देना पड़ेगा. इट्स अ काफी डिसेंट क्वेश्चन. ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, एक बार इसको ढंग से देख लेना. राइट,